आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। पहले तो जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पिछले दो दिन से मैं डेढ़ महीना से ज्यादा करेंट अफेयर आपको रिवीजन करवा चुका हूं बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए, और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर भी जो है वो शेयर कर दिया जा रहा है। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, अगर टाइम अच्छा हो ना, अगर टाइम अच्छा हो तो सभी लोग अच्छे होते हैं, सभी लोग आपका तारीफ करेंगे। जिस दिन आपका टाइम खराब होने लगे ना, क्योंकि आपको पता है जीवन में उतराव और चढ़ाव दोनों आता है, यही तो जीवन है। जिस दिन आपका दिन खराब होने लगे ना, लोग भी बदल जाएंगे, लोग भी आपकी बुराई करने लगे, सच्चाई है ये वाला। तो लोगों को पहचानना सीखो, कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे। और आप सभी जज करते रहना कितने क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता था। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने दो दिवसीय हेमिस उत्सव मनाया है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिएगा, यह त्यौहार जो है ना वो लद्दाख में मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि लद्दाख का उपराज्यपाल का नाम क्या है। आप सभी का तो सभी को पता होना चाहिए, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछता है आप सभी से कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, तो यह भी याद रखिएगा आप सभी का, लद्दाख में ही पड़ता है वो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहे हैं, किस राज्य की सरकार ने 24 घंटे बिजली के मुद्दों को निवारण करने के लिए, यानी जो भी बिजली को लेकर शिकायत आता है ना उसका समाधान करने के लिए क्या मिनागम योजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसने किया है? आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन, आप सभी को पता है चेन्नई राजधानी, बनवारीलाल पुरोहित यहां के राज्यपाल हैं, संजीव बनर्जी यहां के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सीट 38 और राज्यसभा सीट आपका 18 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अर्मेनिया, अर्मेनिया जो देश है ना उसके प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एकदम याद रखिएगा। देखो आप पूछते हैं ना भैया एग्जाम में राजधानी और मुद्रा पूछता है, कितना याद करें, जो करेंट अफेयर में चर्चा का विषय बना रहे ना वही आपको पढ़ना है। जैसे अर्मेनिया, अर्मेनिया का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? आपका निकल पाशिनयान, ऑप्शन नंबर बी। अर्मेनिया का राजधानी क्या है? आपका यरेवन। और यहां पर अर्मेनियन ड्रैम, यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। अपने दिमाग में, दिल में या कॉमेंट कर एक बार बोल दीजिए ना, ये हरकत आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है कि यहां पर देखो आप सभी को, बार्नबी जॉयस को किस देश का ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, यानी उप प्रधानमंत्री किस देश का बनाया गया है आपका बार्नबी जॉयस को? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये तो डिप्टी हुए, ये तो उप प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है आपके स्कॉट मॉरिसन, एकदम बाबू याद रखिएगा। और यहां पर राजधानी कैनबरा इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर मुद्रा क्या है यहां पर आपका, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम में करेंट अफेयर क्वेश्चन अगर देखने भी मिल जाए ना तो छूटे ना वो वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है, कहां पर मिला है? दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा हीरा कहां पर मिला है आपका, और ये कितने कैरेट का है? तो 1098 कैरेट का है। एग्जाम में पूछेगा ये कितने कैरेट का है, तो 1098 कैरेट का है, और ये पाया गया है आपका बोस्टवाना में। ऑप्शन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में आपका बनेगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा ना दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था 1905 में, जो 3106 कैरेट का था। और दूसरा हीरा भी, दुनिया का सबसे दूसरा हीरा भी ना दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए TCS जो IT कंपनी है उसके साथ हाथ मिलाया है? तो एयरटेल, यानी एयरटेल और TCS मिलकर ना 5G नेटवर्क का विस्तार करेगी भारत में।
एयरटेल का साथ कौन देगा? तो टीसीएस देगा। एयरटेल का मालिक कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, सुनील मित्तल। ठीक है, सुनील मित्तल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर पूछ रहा है, विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे? तो यह मनाया जाता है आपका 22 जून को मनाते हैं। और इस बार का 2021 का विषय क्या दिया गया है, प्रोटेक्टेड टूगेदर नाउ फॉर एवर। यह विषय है 2021 का। और क्लास अच्छा लगता है और प्रश्न समझ में आता है अगर आपको ना, कोई भी प्रश्न आए और वो बहुत सरल से समझ में आ रहा है, तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में, इसके हेड कौन है? तो डेविड मालापास। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उच्च स्तरीय सलाहकार के समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोंटेक्सिक अलुवालिया को, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जिम्बाब्विया, जिम्बाब्विया गणराज्य में ना भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर एग्जाम में पूछ, मान लो यही आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में फंसा है, आप क्या बोलिएगा? जिम्बाब्विया गणराज्य का वहां पर भारत की तरफ से उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अशोक कुमार को। और जिम्बाब्विया का राजधानी आपका लुसाका है और जिम्बाब्वियन क्वाचा यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। ठीक, एकदम क्वेश्चन पढ़ लेना, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार जो है ना, दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है। और यह पुरस्कार इस बार दिया गया है के सेलजा को। के सेलजा को, यह टीचर भी है, एक शिक्षक भी है। और एक बात याद रखिएगा, ये केरला राज्य की ना, कि केरला राज्य की क्या स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। एकदम क्वेश्चन याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हब्बा खातून, ये एक पुस्तक है, हब्बा खातून एक पुस्तक है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है काजल सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? काजल सूरी के द्वारा हब्बा खातून नामक एक पुस्तक जो है वो जारी किया गया है मार्केट में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक और पुस्तक जारी किया गया है मार्केट में, उस पुस्तक का नाम क्या है? द सिंस ऑफ बिंग अ मदर। ये पुस्तक लिखा गया है, कौन है ये लड़की जो पुस्तक लिखी है, और पुस्तक का नाम क्या है आपका? द सेवन सिंस ऑफ बाइंग अ मदर। इस पुस्तक को लिखा गया है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 120वां है। एकदम याद रखना, एकदम क्वेश्चन में पूछेगा आप सभी को। और इस सूची में एक नंबर पर है आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। और फिनलैंड का मुद्रा क्या है? हेलसिंकी। और यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं यूरो, और राजधानी हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तेजेंद्र सिंह तूर, ये ना टोक्यो ओलंपिक में, जो टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई किया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये शॉर्ट पुट, बॉल फेंकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण संपत्ति संरक्षण, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण संपत्ति संरक्षण के लिए किस राज्य की सरकार ने भारतीय संरक्षण के साथ समझौते पर डील साइन किया है? यानी गांव वगैरह में ना, ग्रामीण क्षेत्र में किसका कितना जमीन है, इसका पूरा संरक्षण किया जाएगा। और इसके लिए ना आसाम राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इसलिए भैया संरक्षण किस लिए किया जाएगा? ताकि उस राज्य में ना समिताब योजना लागू किया जा सके। ये योजना जो है ना 20 नहीं आपका 24 अप्रैल, एकदम योजना का डेट पूछेगा, 24 अप्रैल 2020 को ये योजना लागू किया गया था। ये योजना बोलता क्या है? ये योजना बोलता ये है ना कि अगर गांव में, ग्रामीण में अगर आपका जमीन है तो आपका जमीन का पूरा हक आपको दिया जा सके। और इसके रूप में वो जमीन आप ही का है, इसके लिए ना पूरा संरक्षण करने के बाद आपको एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार का योजना है, तो याद रखिएगा
असम राज्य सरकार ने क्या किया है, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जमीन को जो है उसका पूरा संरक्षण किया जा सके, ताकि वहां पर समिताब योजना लागू किया जा सके जिसका गठन 24 अप्रैल 2020 में हुआ था। असम का राजधानी दिसपुर, हेमंत बिस्वा सरमा यहाँ के मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी राज्यपाल है, सुधांशु धुनिया यहाँ के राज्यपाल है, 14 लोकसभा 7 राज्यसभा सीट है आपका असम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इराक गणराज में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे भाई, तो एल प्रशांत पीस, ऑप्शन नंबर बी। इराक गणराज में भारत की तरफ से अगला राजदूत कौन होगा, तो एल प्रशांत पीस, और इराक का राजधानी बगदाद, इराकी दिनार मुद्रा अब्राहम सली यहां के कौन है, राष्ट्रपति है इराक के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, एग्जाम में काफी बार पूछता है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा हेग्यू नेदरलैंड में, और इसके अंतर्गत, इस समिति के अंतर्गत ना दो भाषाएं बात होता है, एक तो अंग्रेजी दूसरा फ्रेंच, इसके अंतर्गत 123 देश है, और इसका गठन 1 जुलाई 2002 को रोम इटली में हुआ था, और इसके मुख्य अभियोजक किसे बनाया गया, तो करीम अहमद खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन थे, जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर बनी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका माविया सुडानी, सुडान, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात रखिएगा, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे ना कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी, तो याद रखिएगा आपका भावना कांत, ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारोत्तोलक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उठाते हैं ना आपका वेट लिफ्टिंग, इसमें लॉरेल का नाम है हबर्ड, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट्स बनी है, और किस देश संबंधित है, यह ना एक ट्रांसजेंडर है, और यह पहली ट्रांसजेंडर है जो ओलंपिक में भाग लेगी टोक्यो में, और ये क्या कौन सा खेल खेलती है, तो वेट लिफ्टिंग है, जो करलाम महेश्वरी खेलती थी, जो भारत को 2000 में ब्रॉन्ज मेडल दिलाई थी, वो पहली महिला थी। तो याद रखिएगा ये ट्रांसजेंडर किस देश से है, तो न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड का राजधानी क्या है, वेलिंगटन, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूजीलैंड डॉलर, और वहां की प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विश्व का पहला अनुवंशिक रूप से संशोधित रबर संयंत्र कहां लगाया गया है। एक मैं क्वेश्चन बता दूं आप सभी को, ये ना एक पौधा लगाया गया है मॉडिफाइड कर, क्यों मॉडिफाइड किया गया है भैया, इसको क्यों ठीक ठाक किया गया है, क्योंकि ना ठंडा के महीना में ना ये पौधा जो है ना ठंडा के महीना में सिकुड़ जाता है, जितना तेजी से इसका विकास होना चाहिए ग्रोथ हो नहीं पाता है, तो इसके अंदर ना पूरा मॉडिफाइड कर इसको तैयार किया गया है, ताकि अब ठंडा में भी ना इसका विकास रुकेगा नहीं, ये सिकुड़ेगा नहीं। और ये कहां लगाया गया है, तो असम का राजधानी गुवाहाटी में। अब ये जो रबर प्लांट है बहुत काम आता है, अगर घर में लगाएंगे ना आप, घर में लगाएंगे तो घर के लोगों को बोलते हैं एलर्जी नहीं होगा, हवा जो जितना भी हवा में प्रदूषण है वो नहीं फैलेगा, बहुत सारे कंपनी में ऐसा रॉ मेटेरियल इसका काम आता है, याद रखिएगा कहां पर किया गया है, गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों के लिए कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है, तो आपका किसने, गुजरात ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा मोटर और टाटा पावर के द्वारा भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट, अब यहां पर समझिएगा आप सभी, कारपोर्ट होता क्या है, बहुत सारा सोलर प्लांट लगाया गया है, पूरा एक कारपोर्ट बनाया गया है, ठीक है, बहुत सारा, और इसका पहली बार भारत में इतना बड़ा कारपोर्ट लगाया गया है आपका, और ये टाटा पावर और टाटा मोटर्स के द्वारा लगाया गया है, कहां पर, तो ये लगाया गया है गुवाहाटी असम में, और बोला जा रहा है जो बिजली का खपत है, जो बिजली की बर्बादी होती है, ये सब बंद हो पाएगा, ठीक है, ये लगाने से। आपको पता है हर देश क्या बोल रही है, सोलर पे ध्यान दो, सोलर पे ध्यान दो, सोलर पे ध्यान दो, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा टाटा मोटर और टाटा पावर के द्वारा क्या बड़े सोलर कॉर्पोरेट का जो है वो लगाया गया है, कहां पर, गुवाहाटी असम में,
और इससे भी बड़ा ना, इससे भी बड़ा कारपोर्ट पर काम चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कहां बन रहा है? तो बेल्जियम में बन रहा है। अभी बना नहीं है। कहां पर बन रहा है? बेल्जियम में बन रहा है। कहां पर? बेल्जियम में। अभी तैयार नहीं हुआ है। इसका बोला जा रहा है ना, भारत का इस टाटा मोटर का रिकॉर्ड तोड़ देगा बेल्जियम वाला। बहुत अच्छा है। अगर सोलर के ऊपर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस देश ने पहले विश्व कप, आपको पता होगा पहली बार टेस्ट मैच आयोजित किया गया क्रिकेट में, उसका वर्ल्ड कप, और ये किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। और आपको पता होगा, सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो आपका जेमिनसन, उसके बॉलर जिसने बहुत लाजवाब बॉलिंग किया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बैंक ने कलकत्ता मेट्रो स्टेशन बोर्डिंग अधिकारी हासिल किए? यानी कलकत्ता में जो मेट्रो रेल चलता है ना, उसके मेट्रो रेल के ऊपर पूरा ब्रांड पेपर प्रचार करेगा, यानी उसका उस कंपनी का पोस्टर उस्टर सब लगा रहेगा मेट्रो रेल के ऊपर, यानी उसका प्रचार किया करेगा कौन? मेट्रो रेल, कलकत्ता मेट्रो रेल। इसका डील किसने जीता है? तो बंधन बैंक ने। यानी कलकत्ता की जो मेट्रो रेल है ना, अब उस पर बंधन बैंक का लोगो लगा रहेगा, ठीक है? तो किसने? बंधन बैंक ने। बंधन बैंक का हेड कौन है? चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का गठन 2001 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर भी आपका कहां पर है? तो आपका कलकत्ता में है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस संगठन ने भारत के साथ $32 मिलियन के ऋण पर डील साइन किया है। आपको बताना है, देखो मिजोरम में ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अच्छा हो सके, अच्छे से बहाल हो सके ना, इसके लिए $32 मिलियन का लोन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। इसको मिजोरम को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने स्वयं सहायता समूह, यानी आप सभी का सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ भागीदारी की है? ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा आज सामने। अच्छा एक बात बताइए आप सभी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहां पर है? काफी बार एग्जाम में पूछता है, रोम इटली में। गठन 1961 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड बिस्ले। एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, 8 जनवरी 2021 को संशोधन के बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला देश, पहला देश कौन सा बन गया है? अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 नवंबर 2015 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर। इसके अंतर्गत ना 124 देश सदस्य है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, देखो इस गठबंधन का मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट यह है कि ना लोग ना ज्यादा से ज्यादा सोलर के ऊपर डिपेंड हो, सोलर को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा, जो जीवाश्म ईंधन है ना, जो फॉसिल फ्यूल है, ये क्या होता है भैया? अरे आप चट्टा, आप कभी जाइएगा कचरा उचड़ा में, देखेंगे कभी कभी कचरा सड़ करना ऐसा बन जाता है पूरा बालू की तरह, या चट्टान के नीचे वाला पर्सन जिसके अंदर बहुत प्राचीन काल में जानवर आदमी दबा रहता है, अब वो क्या होगा? चट्टान क्या बन जाएगा? जीवाश्म बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल कोयले के रूप में, और क्या बोल सकते हैं, गैस के रूप में, पेट्रोल के रूप में किया जाता है। तो अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहना है ना, जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग है वो कम हो सके, फॉसिल फ्यूल का जो उपयोग है वो कम हो सके, और लोग जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा सोलर के ऊपर डिपेंड हो सके, ये बहुत अच्छा चीज है। तो इसके लिए ना एक संशोधन किया गया था 8 जनवरी 2021 को, और इसको समर्थन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए। और डेनमार्क का ना राजधानी क्या है? आपका कोपेनहेगन। यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करता है डेनिस क्रोन, और यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या? मेटे फ्रेडरिकसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो एक पुस्तक लॉन्च किया गया, मार्केट में एक किताब आया है, किताब का नाम क्या है? माई जॉय एंड सोरो एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। इस किताब को मार्केट में कौन लेकर आया है? तो यही महिला है। इस महिला का नाम क्या? कृष्णा सक्सेना। और एग्जाम में पूछेगा ना,
इस किताब का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यह भी याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश 2023 का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा? यानी ये 23 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का ना, उसकी मेजबानी भारत करने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पुरुष टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए? अच्छा, पहला गेंदबाज कौन है दक्षिण अफ्रीका का जो टेस्ट में हैट्रिक लिया था? तो उनका नाम है आपका जियोफ ग्रिफिन, ठीक है। और दूसरे कौन बन गए हैं? तो केशव महाराज, ऑप्शन नंबर डी। और भारत की तरफ से भी तीन लोगों ने टेस्ट में हैट्रिक लिया है। एक पहला हैट्रिक कौन लिया था बताओ, किसी को याद है तो हरभजन सिंह, दूसरा इरफान पठान पाकिस्तान में, और तीसरा कौन है? तीसरा जसप्रीत बुमराह। तो भारत से भी तीन लोग टेस्ट में हैट्रिक ले चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, तो भारत की हॉकी टीम भी जाएगी ओलंपिक में। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन होगा? यानी भारत का हॉकी टीम का कैप्टन किसे बनाया गया ओलंपिक के लिए? तो आपका मनप्रीत सिंह को। अब ये भारत का पुरुष टीम हो गया, महिला टीम भी ओलंपिक में जा रही है, तो महिला टीम का कैप्टन कौन होगा? तो रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल महिला की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, इफ्को ने निम्नलिखित में से किस देश में एक नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर डील साइन किया है? देखो, इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। इसने ना एक डील साइन किया है किस देश के साथ, ताकि उस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित हो सके, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का स्थापना हो सके उस देश में। इसलिए आप सभी का इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने साइन किया किस देश के साथ? तो अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, WHO विश्व संगठन जिसका गठन 1948 में किया गया था और जिसके हेड कौन है? टेड्रोस एधोनोम, ठीक है। इंडिया द्वारा वन फ्रंट लाइन हीरोज के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका किसको, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, उपासना कामिनेनी, ऑप्शन नंबर ए। और बता ही चुका हूं आप सभी को ये सब चीज। WHO ने WWF है यार, वही बोलू यार, WWF। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। गठन कब हुआ? 19 अप्रैल 1961 को। और मार्को लैबरेटरी ये जो है डायरेक्टर जनरल है, कहां के? तो आपका WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, ठीक है। मैं WHO बोल रहा हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा कभी कभी। तो WHO के बारे में इतना तो बता दिए, टेड्रोस एधानोम उसके हेड है और गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सदी का सबसे बड़ा परोपकारी लोक की वैश्विक सूची में सबसे ऊपर कौन है? 100 साल का ले लो ना सदी का, तो सबसे ज्यादा दान पुण्य का काम कौन किया है? एक लिस्ट जारी किया गया है, और एक नंबर पर कौन है? तो जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर आपका ए। दूसरे पर बिल और मेलिंडा गेट्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है ना, उसके लिए भारत की तरफ से एक गाना गाया गया है, उस गाना का बोल क्या है भाई? तो लक्ष्य तेरे सामने है। क्या नाम है उस गाना का बोल क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है। वो 57 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया है खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा, और इस गाना को गाया और कंपोज गाना और बनाया गया है किसके द्वारा? तो आपका मोहित चौहान के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सिंफोनी लिमिटेड, आप देखते होंगे सिंफोनी का एसी आता है, कूलर आता है, आपका पंखा आता है, देखे होंगे सिंफोनी कंपनी का, तो उसका कार्यकारी निदेशक और समूह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित कुमार को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने करणम महेश्वरी जो पहली भारतीय महिला है जिसने भारत के लिए ओलंपिक में कोई मेडल या जीत कर लेकर आई थी, कब? 2000 वाला सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी, किसने? भारत तोलक यानी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। अब बोला क्या है,
दिल्ली सरकार ने कर्णम महेश्वरी का खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है, वह निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? तो बता ही चुका आपको, भारोत्तोलन। और एक बात, ये अंतिम क्वेश्चन था, इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 मिल जाएगा। कहां पर? सक्सेस की 98 के टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर क्लास अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। आप देख पा रहे होंगे इतना क्वेश्चन अब डेली करवा रहा हूं ताकि पूरा सिलेबस एक से दो दिन में पूरा कवर करवा दूं। थैंक यू एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोविड के दौरान है, कोविड का मौका है यार, तभी कोई सुरक्षित रहे, अच्छे से रहिएगा।